नमस्कार, साधना न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ ऋषभ राय। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर के साथ टीकमगढ़ से, जहां दो पक्षों में जमकर मारपीट हुई। सोशल मीडिया पर मारपीट का वीडियो वायरल हो गया है। चार आरोपियों ने लाठी डंडों से सरेआम मारपीट की। महिलाओं, युवतियों और पुरुषों से मारपीट की गई है। चंदेरा थाना क्षेत्र के उपरारा गाँव का ये मामला है। पुलिस ने चार लोगों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां मारपीट का पूरा मामला है। मामले में चार आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है। मध्य प्रदेश के टीकमगढ़ से आपको एक खबर बता रहे हैं। जहां दो पक्षों में जमकर मारपीट हुई। ये वीडियो सामने आया है, जो कि सोशल मीडिया पर वायरल भी हुआ है। चार आरोपियों के खिलाफ लाठी डंडों से सरेआम मारपीट के चलते मामला दर्ज किया गया है। महिलाओं और युवतियों और पुरुषों से मारपीट की गई है। जिस तरीके से आप तस्वीरें देख सकते हैं, ये मारपीट का वीडियो है, जहां पर एक युवक को पीटा जा रहा है। तीन बदमाश मिलकर लाठी डंडों से मारपीट कर रहे हैं। साथ ही महिलाओं युवतियों को भी पीटा गया, लाठी डंडों से मारपीट की गई, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर अब वायरल हो रहा है। बता दें कि चंदेरा थाना क्षेत्र के उपरारा गांव का यह मामला बताया जा रहा है। पुलिस ने चार लोगों के खिलाफ मामला दर्ज कर जांच शुरू की है। मध्य प्रदेश के टीकमगढ़ से आपको ये बड़ी खबर बता रहे हैं, जहां चार आरोपियों ने मिलकर सरेआम महिला, पुरुष और युवतियों से मारपीट की। जो तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं विचलित करने वाली हैं। इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए संवाददाता सुधीर हमारे साथ जुड़ गए हैं। सुधीर, जो तस्वीरें सामने आई हैं, चार आरोपी युवक युवतियों और महिला को पीटते नजर आ रहे हैं, क्या सा ये मामला है और क्या कार्रवाई इसमें आप कानूनी रूप से की जाएगी? ऋषभ, मैं आपको बता दूंगा, ये टीकमगढ़ जिले के चंदेरा थाने के उपरारा गाँव का मामला है, जहाँ पे महिलाओं को पुरुषों को बेरहमी से पीटा जा रहा है। लेकिन पुलिस अपना एक पक्ष लगा करके चल रही है कि किन लोगों ने, केवल उनके ऊपर मामला, क्योंकि उन्हें अभी ये भी पता नहीं है कि किन के ऊपर मामला कायम किया है। वो केवल फुटेज के आधार पर चार लोगों के खिलाफ मामला कायम किया है। लेकिन जिस तरीके से बेरहमी से पिटाई की जा रही है, उस पिटाई के बाद ये पिटाई क्या के लिए की जा रही है, क्योंकि पंचायत का चुनाव चल रहा है, चुनाव को लेकर के ये सारी क्रियाएं चल रही हैं। जो लोग विरोध करते हैं उनको बेरहमी से पीटा जाता है। प्रशासन उस चीज को दबाने में लगा हुआ है। प्रशासन बोलता है कि नहीं, ये केवल आम आसपास के लोगों ने, इनका विरोध चल रहा है जिसको लेकर के इनके साथ पिटाई की जा रही है। लेकिन हकीकत जो व्या करती है कि चुनावी माहौल को लेकर के जो लोग विरोध करते हैं एक दूसरे का, उसको लेकर के इनकी जो पिटाई की जा रही है बेरहमी से। लेकिन जब पुलिस से इस संबंध में पूछने का प्रयास किया तो पुलिस ये बोल रही है कि चार लोगों के खिलाफ केवल मामला तो कायम कर लिया है, लेकिन उसमें किन के खिलाफ मैं अपना मामला कायम किया है, उन लोगों के अब नाम भी तो ओपन करें ना, कि जो लोग खुलेआम मारपीट करते हुए दिखाई दे रहे। जी ऋषभ जी, बिल्कुल सुधीर, मामला बहुत गंभीर है, क्योंकि महिलाओं, युवतियों और जिस युवक पर ये मारपीट की जा रही है और जिस तरीके से बेरहमी से मारपीट की जा रही है, बड़ा गंभीर मामला हो जाता है, क्योंकि जान भी जा सकती थी। तो ऐसे में पुलिस को जो तस्वीरें दिख रही हैं, वो साफ तौर पर युवकों को पहचाना जा सकता है जो आरोपी हैं, तो क्यों बड़ी कार्रवाई नहीं की गई, क्या पुलिस का क्या कुछ कहना है? जी ऋषभ, मैं आपको बता दूं कि जिस तरीके से बेरहमी से पिटाई की जा रही, तो पुलिस का पहला बचाव ये होता है कि चुनावी माहौल है, चुनावी माहौल में किसी अन्यथा वे के ऊपर कार्रवाई करने से पहले केवल अपना कि कौन लोग दिखाई दे रहे हैं पीटते हुए, उनके उन्हें नाम तो पता ही नहीं है, इसके बावजूद चार लोगों पे मामला कायम कर दिया है। अब वो चार लोग कौन होंगे, उसमें आम आदमी भी, पीटने वाले तो ठीक है, आम आदमी भी बीच में बिदने में आ जाते हैं कि उनके ऊपर भी मामला कायम कर दिया जाता है। जी ऋषभ जी, बिल्कुल सुधीर, जानकारी साझा करने के लिए बहुत शुक्रिया। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं टीकमगढ़ से, जहां मारपीट का ये पूरा मामला है और मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया है। और इसी बीच